तो हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्टोलोना जगुआर और स्पार्टन हॉस्पिटलिस्ट के बीच खेले जाने वाले दोस्तों आज के ECS स्पेन T10 मैच के बारे में, जो कि दोस्तों आज के दिन का पहला T10 मैच रहेगा। और इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं सभी प्लेयर्स के बारे में बताऊँगा कि दोस्तों ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्हें आपको अपनी टीम में लेना है, और ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं दोस्तों जिन्हें आपको अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई करके चलना है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, हर एक चीज़ समझाऊंगा दोस्तों आप लोग को, ठीक है? आसानी होगा टीम बनाने में। और चैनल पे नए हो तो चैनल को तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखो। टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हो तो बहुत सारी चीज़ें मिस करोगे, क्योंकि दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी ना मेरी, वो सिर्फ टेलीग्राम पे आपको मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे अपडेट आपको मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है? टॉस और लाइनअप के अपडेट से लेकर के दोस्तों मेन जो मेरे फोकस जो रहते हैं ना दोस्तों, मेन प्लेयर ट्रंप प्लेयर, तो वो सभी चीज़ें मैं आपको यहीं पर बताता हूँ, ठीक है? कैप्टन वाइस कैप्टन के सजेशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो सभी चीज़ें लगभग यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है? तो अगर अच्छा खासा अमाउंट आप लोग विन करना चाहते हो और कुछ सीखना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूँ टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों बात करें यहाँ पे मैच के बारे में, प्लेयर्स के बारे में। तो मैच नंबर 26वां खेला जाएगा, ठीक है? इस स्पेन T10 का CJG और SPH के बीच मैच खेला जाएगा दोस्तों। 1:15 मैच स्टार्ट होगा, सेम वेन्यू बार्सिलोना स्पेन में मैच रहेगा। बैलेंस सरफेस आपको देखने को मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पे इस वेन्यू पे दोस्तों टोटल 25 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 10 मैच, बैटिंग सेकंड ने यहाँ पे 15 मैच विन किया है। हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, एवरेज स्कोर आपको 100 से 130 के बीच में देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों टीम CJJ मतलब कार्टोलोना जगुआर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों इनकी टीम जो है ना अपना जो लास्ट 3 मैच खेली है, तीनों मैच विन करके आ रही है। यहाँ के प्लेयर्स काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किए हैं और काफ़ी मुझे प्रभावित किए हैं दोस्तों, ठीक है? हमजा सलीमदार हैं और बिलाल असलम है दोस्तों, ये दोनों ने लास्ट मैच में ओपन किया था। हमजा सलीमदार तो दोस्तों एक हार्ड हिटर प्लेयर है, लास्ट के 3 मैच खेला है और 2 मैच में दोस्तों इसने सेंचुरी लगाया है। पहला बैटिंग करते हुए काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करता है ये, बिल्कुल टीम में लेकर के चलो। 2 ओवर का बॉलिंग भी प्रॉपर कर रहा है ये, देखो यहाँ 1 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 1 विकेट, तो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग कर रहा है। सीधा कैप्टनसी, सिंगल कैप्टनसी भी दे सकते हो इसको, आज के मैच में अगर खेले तो इंपॉर्टेंट रहेगा। बिलाल इस्लाम है, ये भी दोस्तों लास्ट के मैचेस में देखो 1 ओवर यहाँ डाला, 1 ओवर यहाँ डाला। यहाँ पे दोस्तों बैटिंग से भी इसने 20 नॉट आउट की इनिंग खेली थी, काफ़ी शानदार थी इसकी, तो देख लेना अगर खेलता है ना तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, लेकिन टॉप ऑर्डर में उतना ज़्यादा बैटिंग आने के चांसेस नहीं रहेंगे इनके। तो दोस्तों बिलाल असलम को अगर लोगे ना तो ये सोच के चलना कि इनकी टीम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करेगी और बिलाल असलम को ओपन भेजेगी या फिर बॉलिंग के चांसेस देगी, ठीक है? और उसके बाद आपको फारूक सोहेल दिखेंगे, ये प्लेयर बढ़िया है, और जब दोस्तों ये विकेट कीपिंग नहीं करेगा ना तो बॉलिंग भी करेगा 1 से 2 ओवर का, जैसा कि इसने लास्ट मैच में किया 2 ओवर का बॉलिंग, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, ठीक है? जैसे मैंने लाइनअप देखा तो मैं आपको बता दिया था कि 2 ओवर की बॉलिंग करने वाला है, उसने बॉलिंग किया था। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पे आपको मिलती हैं। विकेट कीपिंग अगर नहीं करेगा तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन भी, कैप्टन भी कर सकते हो इसको, वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, ठीक है? वैसे तो दोस्तों बहुत लोग आज के मैच में इसको वाइस कैप्टनसी दे करके जाएंगे, क्योंकि इसकी हिटिंग भी काफ़ी शानदार है, ठीक है? देख सकते हो लास्ट के 2 मैचेस 42 और 98 नॉट आउट की जो इनिंग थी इसकी काफ़ी शानदार रही थी, तो ये चीज़ देखते हुए इसको भी लोग वाइस कैप्टन कैप्टन करने का सोचेंगे, इंपॉर्टेंट भी है प्लेयर, देख लेना। उसके बाद दोस्तों आपको दिखेंगे फैजल सरफराज, ये प्लेयर लास्ट मैच में दोस्तों आपको 4th नंबर पर बैटिंग करता हुआ दिखा था, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बॉलिंग पर्पस से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर ये बॉलिंग करेगा ना तो बेहतरीन बॉलिंग करता है, लेकिन देखो टीम कभी कभी इसको ना मौका नहीं देता। इस वाले मैच में दोस्तों इसको बॉलिंग नहीं मिला था, उससे पहले 1 विकेट, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 4 विकेट लेकर के गया था, तो अगर खेले ना तो बिल्कुल ध्यान देना, लेकर के चलना इसको। रजा आदिल हैं, ये भी बेहतरीन टॉप क्लास बॉलर है, 2 ओवर की कंटिन्यू बॉलिंग कर रहा है। लास्ट के मैचेस में देखो 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, तो विकेट्स तो लेकर के गया है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड करूँगा टीम में लेकर के चलो इसको, ठीक है? आमिर हमज़ा हैं, ये भी दोस्तों बढ़िया प्लेयर है, और लास्ट के मैच में दोस्तों इसको मौका नहीं मिला था, ठीक है? बाकी ये ना ऐसा प्लेयर है जो 2 ओवर की बॉलिंग करता है, देखो लास्ट के 2 मैचेस खेला उसने, 3rd मैच में डिड नॉट बैट रहा था, इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ। बाकी ये प्लेयर अगर खेलता है ना तो इम्पॉर्टेंट ही रहेगा, फील्डिंग भी काफ़ी बढ़िया करता है, और आपके लिए दोस्तों बॉलिंग अगर किया तो विकेट लेकर के भी जाएगा। मोहम्मद वकास, उमर वकास हैं, इसका भी दोस्तों कोई फिक्स नहीं रहता बैटिंग बॉलिंग, दिखता दोस्तों ओपनिंग पे मेंशन, लेकिन ओपनिंग आता नहीं है,
बॉलिंग दोस्तों लास्ट मैच एक ओवर किया, इससे पहले ये वाला मैच में एक ओवर किया, उसमें 2 विकेट लेकर के गया, पूरा गेम ख़राब कर दिया था ये। तो ऐसा प्लेयर है वकास, देख लेना, अगर वन साइडेड टीम बना रहे हो तो इसको ले सकते हो 10/1 का, वरना फिर इसको ड्रॉप करके चलना हम लोग। उसके बाद दिखेंगे आपको हुमायूं इश्ताक, ड्रॉप करके चलेंगे। उमर रज़ा को देख लेना दोस्तों, बॉलिंग उतना खास नहीं है, 12 इनिंग के अंदर 18 विकेट का रिकॉर्ड तो है इसका, लेकिन दोस्तों बॉलिंग ना वो लेवल का नहीं लगा मुझे बॉलिंग देख करके। वो लोकल डोमेस्टिक मैचेस में उसने विकेट लिया होगा, बात अलग है, लेकिन अभी मुझे उतना खास नहीं लगा इसका, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आप लोग कर सकते हो ये वाले मैच में ना, जिसमें 13 रन इसने किया, उसमें दोस्तों वन डाउन पर बैटिंग आया था ये, तो इसका भी बैटिंग ऑर्डर इधर इधर होता रहता है। नीचे से बात करें तो जुनैद अली ये काफ़ी बढ़िया प्लेयर और 1 से 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, क्वालिटी बॉलर है। यहाँ पे देखो लास्ट के जो 2 मैचेस थे उसमें दोस्तों इसने विकेट लिया था, ये वाला मैच में हालांकि विकेट लेस गया था ये, लेकिन प्लेयर का। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मुदस्सर जी हैं, इनको मैं ड्रॉप करके चलूँगा, ठीक है, तो इनको प्रेफरेंस नहीं दूंगा। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे इनके बेंच के प्लेयर्स की, तो बेंच में जितने प्लेयर्स हैं आप लोग देख लो यहाँ से, किसी को भी अगर लेना रहेगा प्लेइंग 11 में आए तो यहाँ से सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड देख सकते हो आप लोग। बात करें दोस्तों स्टार्टिंग के ओवर की, तो देखो रजा आदिल हैं, जुनैद अली हैं, हमजा सलीमदार हैं, इनको लेकर के चलना, और ये स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखते हैं। डेथ ओवर्स में दोस्तों आमिर हमजा है, फैजल सरफराज है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। आगे बात करें दोस्तों टीम SPH के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों SPH की जो टीम है ना, अपना जो लास्ट 8 मैच खेली है उसमें दोस्तों सिर्फ 1 मैच विन की है, और ये दोस्तों इनकी टीम 7 मैच हारी है, तो इनके टीम का परफॉर्मेंस दोस्तों अप डाउन होता रहता है, रन्स तो बन जाते हैं लेकिन अपोनेंट के रन्स को नहीं रोक पाते ये लोग, ठीक है। बॉलिंग यूनिट उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बैटिंग से तो चलो T10 है तो रन्स बन ही जाते हैं सभी प्लेयर्स के, ठीक है, सभी टीम्स के थोड़ा बहुत, तो ये चीज़ देखने को मिलता है। मोहम्मद आजम हैं और दोस्तों अली सूजा हैं, ये दोनों ने लास्ट मैच ओपन किया था। मोहम्मद आजम दोस्तों आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देता है, तो इसको बिल्कुल मैं टीम में लेकर के चलूँगा, क्योंकि इसका दोस्तों सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। ड्रॉप करना तो सिर्फ GL के अंदर ड्रॉप करना, स्मॉल लीग में दोस्तों ड्रॉप मत करना इस प्लेयर को, ठीक है, और ड्रॉप करने का थोड़ा सा रिस्की चांसेस रहता है, और बैटिंग से भी आपको पॉइंट्स दे देता है, 25-30 रन भी कर लेता है। देखो यहाँ पे 76 नॉट आउट, जो इसके हाईएस्ट जो इनिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी दोस्तों, ठीक है, और 50-150 यहाँ पर भी किया, 23 रन की इनिंग है, तो स्कोर कर सकता है, इसमें कैपेबिलिटी है, तो लेकर के चलना। अली सूजा को दोस्तों अपने अकॉर्डिंग देख करके चलो, ठीक है। GL के अंदर ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो। जे हैदर है, इनको लेकर के चलना, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे रहा है, और टीम ने दोस्तों जब जब इसको मौका दिया है उसने थोड़ा बहुत स्कोरिंग भी किया। देखो यहाँ पे 37, 14, 16 रन की इनिंग लास्ट के जो मैचेस थे उसमें इसने स्कोर किया है, पॉइंट्स दिया है, तो लेकर के चल सकते हो। अयाज अहमद ये भी दोस्तों अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, तो इसको भी टीम में प्रेफरेंस दे करके जा सकते हो। अयाज अहमद इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, बैटिंग ठीक ठाक कर ले रहा है और बहुत सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहा था लास्ट के दोस्तों 2-3 मैचेस से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत रन्स करके जा ही रहा है ये, तो लेकर के चलना इसको। अब उसके बाद दोस्तों अख्तर हैं, ड्रॉप करके चलेंगे। फहद इकबाल है, एस हुसैन है, इसको आप GL के अंदर ले सकते हो, ठीक है, GL में ट्राई करना चाहो तो थोड़ा बहुत आप रिस्क लेकर के इसको ट्राई कर सकते हो, बाकी दोस्तों उतना ट्रैवल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। परमवीर परमार दोस्तों, इनकी टीम अगर पहले बॉलिंग करे तो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये दोस्तों 2 ओवर की बॉलिंग तब बिल्कुल फिक्स कराता हुआ दिखेगा, तो लेकर के चल सकते हो। स्कोरिंग भी दोस्तों लास्ट के मैचेस में देखो, यहाँ 6 नॉट आउट, यहाँ पे 14 नॉट आउट, तो इसने स्कोरिंग भी किया है, तो सिक्सेस भी इसने 1-2 लगाए हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है कि इसके पास बैटिंग कैपेबिलिटी है, बस ये टॉप ऑर्डर में थोड़ा बैटिंग करना है, तो बिल्कुल परमवीर परमार को देख लेना, लेना रहेगा तो ट्राई करके चल सकते हो। मुजाहिद मोहम्मद ये भी बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए, 1 से 2 ओवर की बॉलिंग भी कर लेता है, प्लस दोस्तों आपको थोड़ा बहुत बैटिंग भी करता हुआ दिखता है, बाकी लास्ट के मैचेस में पूरा फ्लॉप रहा था। ये एक ऐसा प्लेयर है ना, किसी एक मैच में आके मार देगा, फिर उसके बाद दोस्तों 2-3 मैचेस में लगातार फ्लॉप जाता है, तो ऐसा प्लेयर है, ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो इसको। नीचे से बात करें तो अफाक हुसैन ड्रॉप करके चलेंगे, और मरूफ हुसैन है, ये टीम के लिए कैप्टनसी कर रहे हैं, प्लस दोस्तों ये लास्ट के कुछ मैचेस में बॉलिंग किए हैं और विकेट भी लिए हैं, एक विकेट यहाँ पे, एक विकेट यहाँ पे, तो 2-2 ओवर का बॉलिंग करते हैं। देखना ये विकेट कीपिंग सेक्शन में मेंशन रहते हैं लेकिन विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, ठीक है, वहाँ पर लिखा रहता है जब लाइनअप आता है, तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पर, तब की सिचुएशन में आप इनको ले सकते हो। पहले बॉलिंग पर ज़्यादा प्रेफरेंस देना,
सेकंड बॉलिंग करें इनकी टीम तो नहीं लेना, ठीक है, ड्रॉप भी कर सकते हो। तो यहाँ से जो प्लेयर्स हैं देखो, आज़म को ले लेना, जे हैदर ले लो, अयाज अहमद, बाकी के प्लेयर्स को दोस्तों अपने अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है, किसको अपनी टीम में लेना है अपने हिसाब से। जैसे परमवीर परमार है, उनको ट्राई कर सकते हो आप अपनी टीम में। मुजाहिद और मरूफ हैं, ये दोनों में से एक प्लेयर, इनको भी प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करे तो इन पर बिल्कुल फोकस करना। बेंच में दोस्तों अवेश अहमद हैं, ये काफ़ी अच्छे हिटर प्लेयर इनकी टीम के, और खेलते हैं तो डायरेक्ट पिक रहेंगे, ठीक है। सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड मैंने बेंच से लिख रखे हैं, इनमें से कोई भी अगर खेले तो आप लोग डायरेक्ट पिक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें स्टार्टिंग के ओवर की, तो जे हैदर हैं, मोहम्मद आजम हैं, डेथ ओवर्स में दोस्तों जे हैदर और मुजाहिद मोहम्मद आपको डेथ में बॉलिंग करते दिखेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करें एक डेमो टीम की। तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको दिखेंगे फारूक सोहेल, बेहतरीन प्लेयर, हिटर प्लेयर लेकर के चलेंगे। और दोस्तों विकेट कीपिंग ना करे तो दोस्तों ये बॉलिंग भी करता है, आपको पता है। अवेश अहमद लास्ट के 6 मैचेस नहीं खेले हैं, ठीक है, 4-5 मैचेस नहीं खेले हैं। खेलते हैं तो डायरेक्ट पिक रहेंगे, लेकिन अभी नहीं खेल रहे हैं तो दोस्तों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। खेलते हैं तो बिल्कुल ले करके चलना, ठीक है, लाइन अप आने के बाद। एम हुसैन है दोस्तों, ये भी पहले बॉलिंग पे ज़्यादा प्रेफरेंस देना, वरना फिर इसको भी ड्रॉप कर चलो। एफ इकबाल उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, पॉइंट्स उतना ज़्यादा नहीं दे पाते ये प्लेयर्स, तो नहीं ले रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन की तरफ आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अयाज अहमद बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत लोग इसको वाइस कैप्टनसी भी सिलेक्ट करके जाएंगे। वकास है दोस्तों, ये भी देख लेना, ये टॉप ओपनिंग पे मेंशन रहता है लेकिन ओपनिंग नहीं आता, कभी कभी 1 ओवर की बॉलिंग कर लेता है। एक मैच में किया था इसने, 2 विकेट भी लेकर के गए थे, तो देख लेना। क्वालिटी बॉलर तो नहीं है, लेकिन दोस्तों जान रहे हो T10 के अंदर बॉलिंग कोई भी करे तो दोस्तों किसी को भी विकेट लेने के चांसेस रहते हैं, तो देख लेना, इसको लेना रहेगा। बिल्कुल अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो इस प्लेयर को, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको नहीं लिया हूँ, बाकी इसको ले सकते हो आप लोग, ठीक है। इस्लाम है, इस्लाम को भी दोस्तों इनकी टीम कभी कभी मौका देता है बॉलिंग के लिए, तो ये बॉलिंग करने आ जाता है, बॉलिंग से पॉइंट देता है, बैटिंग भी करने आ जाता है, थोड़ा बहुत बैटिंग से भी पॉइंट दे देता है, तो इसका ये सिलसिला रहता है। बाकी दोस्तों नीचे के जो प्लेयर्स हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, जिनके बारे में बात करूँ मैं, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ सीधे आते हैं, हमजा सलीमदार, जे हैदर, ये 2 प्लेयर मुझे चाहिए। दोनों अपनी अपनी टीम के लिए 2 ओवर की बॉलिंग प्लस दोस्तों टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं। परमार को आप ले सकते हो, हिटर है और हिटिंग कर लेता है, क्योंकि लास्ट के 2 मैचेस में इसको 6 लगाते देखा मैंने, तो दोस्तों ये तो बैटिंग तो कर सकता है, प्लस 2 ओवर की बॉलिंग करता है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। पहले बॉलिंग पे तो बिल्कुल मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, टीम में ज़रूर इसको लेकर के चलूँगा। उसके बाद दोस्तों आपको दिखेंगे यहाँ से ए आहूजा, ये प्लेयर भी ठीक ठाक है, और इसका दोस्तों कभी भी इनिंग अच्छा आ सकता है, कभी भी खराब आ सकता है, तो 50-50 कॉल लेकर के चलना, टॉस के अकॉर्डिंग लाइनअप आए तो लेकर के चलना, वरना फिर इसको ड्रॉप कर सकते हो। बाकी नीचे से दोस्तों उमर रजा है, इनको GL के अंदर ट्राई कर सकते हो आप लोग, GL में अगर ट्राई करना चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी नीचे के जो प्लेयर्स हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इनको फोकस नहीं कर रहा हूँ। ए हुसैन है, ये प्लेयर अगर ये खेलता है ना तो देख लो, एस हुसैन खेलेगा तो देखना है इसको, ठीक है, क्योंकि इसने एक मैच में ना अभी जो लास्ट खेला था उसमें 1 ओवर का बॉलिंग करने भी आया था, ठीक है, और बैटिंग भी कर रहा था ये। बाकी बैटिंग से कोई पॉइंट नहीं दिया था, बॉलिंग से भी दोस्तों पॉइंट नहीं दिया था ये, तो ये चीज़ है। बाकी दोस्तों सभी प्लेयर्स और भी हैं नीचे जो कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, यासिर अली है तो खेल नहीं रहे, तो इनके बारे में क्या बात करें। अब आ जाते हैं दोस्तों सीधा बॉलिंग सेक्शन की तरफ, और यहाँ से दोस्तों अपन आजम को तो लेकर के चलेंगे ही चलेंगे, बढ़िया प्लेयर है और आपको 2 ओवर की बॉलिंग प्लस दोस्तों आपको टॉप ऑर्डर पर बैटिंग देता है। रजा आदिल है, इनको भी लेकर के चलेंगे, सरफराज इंपॉर्टेंट है, आमिर हमजा, तो ये दोस्तों ये प्लेयर्स, ये 4 प्लेयर्स यहाँ से तो मैं बिल्कुल लेकर के जाने वाला हूँ, ये 4ों प्लेयर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनको मैं ड्रॉप नहीं कर सकता। जे अली है, सिलेक्शन देख सकते हैं इसका 14% है, लेकिन दोस्तों ये 2 ओवर की प्रॉपर बॉलिंग करता है और ठीक ठाक बॉलिंग कर लेता है, ऐसा नहीं है कि ख़राब बॉलर है, तो इनको भी टीम में प्रेफरेंस देना। एक प्लेयर मुझे और चाहिए, तो उसमें दोस्तों एम मोहम्मद को ट्राई कर सकते हो, या फिर दोस्तों नीचे के जो प्लेयर्स हैं उनमें से कोई खेले तो आप देख लेना स्टेट्स के अकॉर्डिंग। बाकी इधर से एस आहूजा हैं, इन पर फोकस कर सकते हो। मोहम्मद उमर वकास हैं, इनको ले सकते हो, या फिर दोस्तों मरूफ हुसैन है, ये प्लेयर्स पर फोकस कर सकते हो। तो इन 3ों प्लेयर्स में जो बता रहा हूँ ना, तो इन्हीं में से आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, किसी को भी लेना चाहो तो। वकास को टीम में लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, वकास से लो। इस्लाम को भी ले सकते हो, ठीक है, असलम को, सॉरी, तो इन पे भी फोकस कर सकते हो। और ये मेरे दोस्तों इस मैच की डेमो टीम है,
यहाँ पे मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो कैप्टन मेरे हमजा सलीमदार ही रहेंगे। वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों फारूक सोहेल के साथ जा सकता हूँ, ठीक है, और ए हमज़ा को भी वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ। रज़ा आदिल हैं एक अच्छे ऑप्शन, इनको भी दे सकता हूँ। बी आज़म को भी वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ। तो वाइस कैप्टनसी में रोटेट करूँगा, कैप्टन दोस्तों फिक्स रहेगा मेरा हमज़ा सलीमदार, इनको ही कैप्टन करके जाने वाला हूँ मैं इस मैच में। फाइनल टीम फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।